हाय हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फेरोज कुकिंग। आज साउथ इंडियन स्पेशल ब्रेकफास्ट, हेल्थी ब्रेकफास्ट पोंगल किस तरह बनाना है कि मेरे स्टाइल में देखेंगे। लेट्स गो टू माय चैनल। ये 1 कप टोर चावल या कंट्रोल चावल बोलती हैं, इससे मोटे चावल, ये 1 कप लेना। 1/2 कप मूंग दाल, इसको अच्छे से 2 से 3 बार तक इसको वॉश कर लेना। इसमें 1 कप को 6 कप वाटर डालने को रख लेना। इसमें 20 काली मिर्च, 1 टेबल स्पून साल्ट, इसमें स्वाद अनुसार नमक डालो, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 जिंजर को इस तरह स्मॉल जिंजर को इस तरह बारीक टुकड़ों में कट कर लेना। 1 टेबल स्पून जिंजर है ये। 1 टेबल स्पून करी पत्ता, 2 इलायची, 1 छोटा चकला, 1 टेबल स्पून ऑयल, घी, बटर, क्या भी हम दे डाले जा तुम्हें। इसे 3 to 4 विजल्स तक हमें चूल्हे पर रख लेना। ये हमारा पोंगल इस तरह पक चुका है, इसमें अब हम तड़का किस तरह लगाने की देखेंगे। पोंगल में तड़का लगाने के वास्ते चूल्हे पर एक छोटा कढ़ाई रख ली। ये कढ़ाई को हीट होने देना। इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल, इसको थोड़ा हीट होने देना। इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राया, 1/2 टीस्पून आपको माश की दाल, 1/2 टीस्पून चना दाल, इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना। 10 से 15 काजू, थोड़े करे पत्ते, 2 हरी मिर्च को इस तरह बड़ी पीसेस में कट कर लेना। इसको एक बार मिक्स कर लेना। इसमें पिंच ऑफ हिंग, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ये सब डालने बाद इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना। ये हमारा तड़का तैयार हो चुका है, इसका फ्लेम अब हम ऑफ कर डाल को इसको एक कर ले सो पोंगल में को मिक्स कर डालना। मिक्स करके इस तरह इसको हला लेना। ये हमारा पोंगल बोलने का रेडी हो चुका है। ये पोंगल को अब हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये हमें ये पोंगल को हमारे प्लेट में सर्व कर ले को रख ली। ये भी तुम्हारे बच्चों को ट्राई करो, खिलाओ, ये कैसा आता है कि देखो, मेरे को कमेंट्स में बताओ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डू कमेंट्स। थैंक यू सो मच विथ योर फेरोज कुकिंग।